ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। तो लेट्स स्टार्ट टू दिस लेक्चर। इज अ फाइनल लेक्चर इन दिस कोर्स। आई होप यू ऑल सारे बड़े हैप्पी हो गए, मतलब खुश हो गए थे लास्ट तक जहाँ होती है। ओके ठीक है। या तो फाइनल लेक्चर हमारा इस कोर्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसको कवर करेंगे पूरे कोर्स को इस पेंडेमिक के अंदर। मतलब आई पर्सनली फील एट स्टार्टिंग के शायद हम पूरा कोर्स ना कर पाए, तो शायद हम कुछ चीज़ एक्सप्लोर करें, बट या हमने कर लिया। और तब ये आपकी कोशिश भी थी और मेरी भी कोशिश थी समहाउ। ओके तो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट में लेट मी गिव यू अ समरी फॉर लास्ट लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में एक रिजल्ट को देखा था कि जो करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो देयर इज अ वे के टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑफर्ड ऑफन बाय बायो सेवर्ट लॉ। हमने बायो सेवर्ट लॉ स्टडी किया कि उससे हम देखा कि हम किस तरीके से किसी पॉइंट के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट कर सकते हैं किसी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट की वजह से जनरेट होने वाली। ओके हम उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली। फिर हमने उसी मेथड को यूज़ करते हुए दो वायर्स के दरमियान फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कंप्यूट की। तो वो कैसे जो हमें रिजल्ट आखिर में डिड्यूस किया, उसे ड्राइव किया, वेरीफाई किया, तो जो पैरेलल करंट्स होते हैं, अगर पैरेलल करंट्स फ्लो कर रहे हो तो जो वायर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट होती हैं। और मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि आप एंटी पैरेलल करंट्स ले लो, तो यू हैव टू शो दैट द एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स रिपेल ईच अदर। आई होप तो आपने कुछ ट्राई किया होगा या शायद इसके बाद करोगे। चलोगे नहीं करोगे तो शायद एग्जाम में आ जाए। तो वो स्पॉइलर अलर्ट क्या। तो उसके बाद हमने देखा था कि हम एक डिफरेंट फॉर्मलिज्म थी जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर तो हमारे पास कुछ सिमेट्रिक मटेरियल है। उसके लिए हमने पढ़ा एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को हमने स्टेट किया उसकी दोनों जो राइट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड जो उसकी राइट हैंड साइड उसको उसकी फिजिकल इंट्यूशन देखने की कोशिश की, कुछ कन्वेंशंस डिफाइन की कि आपने करंट को कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, और जो आपने जो भी इंपीरियल लूप डिफाइन किया आपने उसके अंदर करंट की बात करनी। आपने आई थ्री को नहीं छेड़ा था, हमने आई थ्री की बात ही नहीं की पॉजिटिव और नेगेटिव का, उसकी मैंने बात ना ठीक ना होनी थी, वो उसके इंपीरियल के अंदर था ही नहीं। ओके उसमें हम आखिर में आगे पहुँच गए थे। हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास जो था एम्पियर्स लॉ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू, या ये यहाँ पर आया था वो था बी डी एस कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनफ्लो। कंफर्म कर लूँ ये था। चले जाओ ठीक है जी। तो हमने देखा ये चीज़ हमारे पास आ गई थी। इसमें हमने कहा था कि हमारे पास आई वन माइनस आई टू था या ये चीज़। अब हमने कहा था हम इस तरह मूव नहीं करते क्योंकि हमें ए बी ना पता हो, हमें थीटा के वैल्यू का पता हो, तो वो हम यूज़ करेंगे जब व्हेन वी आर डीलिंग विद द सिमेट्रीज। तो आज भी हम वही काम करेंगे। आज हम सबसे पहले सिलेंड्रिकल सिमेट्री की बात करेंगे। हमने पहले बात किया, अब आप वायर को भी ऐसे नहीं देखोगे, आप वायर का हमेशा क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे, डिस्टिंग अब ये चीज़ देख रही होगी, फ्रंट चीज देखोगे। मेरे पास वायर है सिलेंड्रिकल वायर, ये वायर सिलेंड्रिकल वायर है ठीक है। मैंने आप ऐसा देख रहे हो इसको, करंट जो है वो क्या है, बाहर को आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है करंट। ओके तो ये करंट है जो कि आउटपुट आ रहा है आपके पास, इसको मैं आई डिफाइन कर रहा हूँ, और मैंने इसके इसकी इसकी स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ हमें ये कंप्यूट की हुई है, दिस कम्स फ्रॉम द बायो सेवर्ट लॉ म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर। ये हमें ये बताता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर हो, आर के ऊपर हो, तो उस पूरे के ऊपर आसपास क्या है, बी सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल
कि आप इस पॉइंट पे बी की वैल्यू कंप्यूट करो, इस पॉइंट पे बी की वैल्यू कंप्यूट करो, ऑब्वियस डिस्टेंस सेम आ रही है, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम आ रही है, दोनों में डैग इतनी अच्छी नहीं है, तो बी वुड बी द कॉन्स्टेंट। ओके, तो अब ये रिजल्ट हमने ड्राइव किया बाय सेवर्स लॉ से, अगर ये सेम रिजल्ट डिड्यूस होता है बाय एम्पियर लॉ से तो इसका मतलब है कि आसानी हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास वायर है वो सिलेंड्रिकल है, तो जो अब वायर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करनी होगी, करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड बाहर को आ रही होगी, तो आपको नजर भी आएगा बाहर को आ रही है, और इधर इधर को क्या होगी, इधर इंटू द प्लेन होगी, अंदर को जा रही होगी, और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर निकालनी होगी किसी डायरेक्शन के ऊपर, वो अब टेंजेंट ड्रॉ करोगे आपको मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है जो मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर होगा वो, अच्छा जो हमें इंटीग्रेशन ली हुई थी बी एन लूप की, वो हम उससे काउंटर क्लॉक वाइज देते हैं, और डी एस भी उसी डायरेक्शन में मिलते जो काउंटर क्लॉक वाइज ही होता है। तो हमने बात की जो डायरेक्शन ऑफ बी है वो हमेशा क्या होगी, उस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। तो ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी कर ली हुई है, अगर आप नोट्स को बार बार करोगे तो हमने बात की जो करंट क्या स्ट्रेट वायर होती है उसके मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके अराउंड गोल गोल घूम रही होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं। तो इफ़ यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, आप फिर सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और हमें पता है कि अगर आप करंट कैरिंग वायर है आप उसी किसी भी पॉइंट पर टेंशन ड्रॉ करोगे वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास या इंटीग्रेशन की डायरेक्शन होगी, जो कि बाई कन्वेंशन हमने काउंटर क्लॉक वाइज दी हुई है। अब एक वायर सिलेंड्रिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होल्ड कर दी होगी हमारे पास, और अगर आप किसी सेम पॉइंट के ऊपर ओपिनियन लूप से जिस आर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट रहेगा। नाउ अप्लाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एस किसके बराबर होगा, बी डी एस कॉस थीटा, और आपको पता है कि जो बी की डायरेक्शन है वही डी एस की डायरेक्शन है, तो कॉस जीरो हो जाएगा वो बी डी एस बन जाएगा। तो ये आप अप्लाई करोगे, अच्छा अब बी कॉन्स्टेंट है इस पूरे केस के अंदर, बी कॉन्स्टेंट क्यों है कि अब इस पॉइंट पे भी बी होगा, इस पॉइंट पे तो आप आर डिस्टेंस पे हो, यहाँ से यहाँ तक भी आर डिस्टेंस ही हमारे पास है। अगेन आप डायग्राम को थोड़ा ये ना समझो, बिल्कुल स्पेरिकल है, बिल्कुल उसी तरीके से है, मतलब जो आपको वायर ना इस तरह नजर आएगी, ये वायर के पास जो इसके अराउंड लूप बनेगा वो ये वाला बना था। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस है तो यहाँ पे जो ये आर है, यहाँ पे जो वेक्टर बी होगा वहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी यही बी होगा, यहाँ पे भी यही बी होगा हमारे पास। ओके, तो आपको ये था फ्रंट व्यू, लेकिन आपको क्रॉस सेक्शन व्यू नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने वाला व्यू नज़र आ रहा है, वायर का ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है आपको। ओके, तो ये भी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, बी बाहर चला गया, डी एस पूरा डी एस के ऊपर इंटीग्रेशन होगी, अगेन आपको क्रॉस सेक्शन भी नज़र आ रहा है इसका, तो पूरा गेट 2πr, तो वो आपको मिल जाएगा, पूरा सर्कल मिल जाएगा, तो जो लेफ्ट हैंड है वो 2πr बी के बराबर आ जाएगी, इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब आई इनक्लोज इसके अंदर कितना है, ये पूरा इंपीरियल लूप है, जितना इंपीरियल लूप इसके अंदर टोटल करंट कितना है, एक ही करंट है जो आई है। अच्छा, अब वो देखो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हम क्या करेंगे, हम ए जो अपना डायरेक्शन ए पहले जो हमारी जो फिंगर्स हैं उनको रखेंगे डी एस की डायरेक्शन में, और उसको कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ काउंटर क्लॉक वाइज करूँगा, तो डी ए जो मेरे थंब है वो आउटवर्ड आ रहे हैं, और आपको करंट है जो वायर का करंट वो भी क्या है, आउटवर्ड है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव करंट ले लिया तो पॉजिटिव करंट आ गया, तो पूरी इसके बराबर आ गई, यहाँ से मुझे बी निकालना हो वो 2πr डिवाइड होगा। ये देखो ये करंट इस तरीके से आया, जो आपने बायो सेवर्ट लॉ से निकाला था वो ये आया था, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन में, मगर अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करो बायो सेवर्ट लॉ को, इसे बी निकालना कदरे मुश्किल था एज कम्पेयर टू एम्पीयर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो ये बिल्कुल ऐसे ही था जितना कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुश्किल था रादर देन बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ। ओके, तो द सेकेंड एग्जाम्पल, अच्छा ये तो आउटसाइड द करंट हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इनसाइड द वायर चले जाऊँ, अब अगेन ये पूरा वायर है, ये पूरी वायर थी हमारे पास, जैसे यहाँ पे ये पूरी वायर है ना, ये वाली पूरी वायर ये वही वाली है, ये पूरी वायर थी ना, ये पूरी वायर का क्रॉस सेक्शन भी ये है, पर अब आप ध्यान में हो तो ये आपको ये रेड वाला साइन है जो जो कि बॉल पॉइंट का है, ये आपने इंपीरियल लूप ड्रॉ की है, अगेन उसकी उसकी जो इंटीग्रेशन की डायरेक्शन होगी वो काउंटर क्लॉक वाइज होगी, डी एस टू की डायरेक्शन के अंदर होगा, हमें पता जो बी है वो भी डायरेक्शन के अंदर फॉलो नहीं कर रहा होगा, जो आपके लेफ्ट हैंड है वो अगेन आपको बी डॉट डी एस हमेशा 2πr इंटू बी ही देगा।
ठीक है। अब इनसाइड की बात करते हैं, इनसाइड कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। देखिए पूरी वायर से करंट आई फ्लो कर रहा है, मगर अब आप वायर के अंदर आ गए, तो उस वायर के अंदर मतलब तो करंट कितना फ्लो कर रहा है हमें नहीं पता। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आपने अगर एक सॉलिड कंडक्टर था और आपने उसके अराउंड क्या किया था, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की थी। अब इस पूरे के ऊपर तो चार्ज क्यू था, मगर इसके अंदर जो कि ये चार्ज इनक्लोज है, अब आपका गॉसियन सरफेस ये वाला था, इसके अंदर क्यू डैश है। अब वो क्यू डैश डिफरेंट था टोटल चार्ज की वजह से। सेम यहाँ पे अप्लाई हुआ, आपका एक पूरी वायर थी जिसमें एक आई एस करंट फ्लो कर रहा था, अब आपका जो इंपीरियल लूप है वो अंदर को आ गया, उसमें से अब आई डैश करंट फ्लो कर रहा है, और वो आई डैश इस आई से डिफरेंट होगा, कितना होगा कंप्यूट कर लेते हैं उसको ही हम क्या करेंगे। तो आई इनक्लोज है तो इस मतलब इंपीरियल लूप में से करंट फ्लो कर रहा है ओवर इट्स एरिया, मतलब इनक्लोज करंट ओवर इनकाउंटर एरिया, इनकाउंटर इनक्लोज एरिया ओवर इनक्लोज करंट, ये बराबर होगा टोटल करंट जो कि टोटल एरिया से फ्लो कर रहा होगा। अच्छा अब यहाँ पे दो क्वेश्चन उठ के सामने आएंगे, आप कहोगे कि सर जब चार्ज की बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस के अंदर, जब हमने चार्ज क्यू डैश निकाला था हमने क्या किया था, इनक्लोज चार्ज ओवर वॉल्यूम, इनक्लोज वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल चार्ज और टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे हम करें इनक्लोज करंट ओवर इनक्लोज एरिया इज इक्वल टू टोटल करंट ओवर टोटल एरिया, यहाँ पे वॉल्यूम क्यों नहीं लिया। देखिए आप लूप की बात करें, उधर आप गॉसियन सरफेस की बात, जो सरफेस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है वो अपने में एक वॉल्यूम को इनकॉर्पोरेट करेगा। जब लूप की बात कर रहे हो, डी एस वेक्टर की बात कर रहे हो, वन डायमेंशन की बात कर रहे हो, ये अपने टू डायमेंशन को होल्ड करेगा, तो टू डायमेंशन का एक एरिया होता है वो एरिया इनकाउंटर करेगा। वैसे आप क्रॉस सेक्शनल की बात करो उसमें एरिया आएगा, तो ये रेशियो भी आपको हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है अगेन, अब जब आपने एरिया लिया, आपने मुझे पता है कि जो सिलेंडर का एरिया होता है वो 2πRL होता है, मगर वो अगेन उसकी पूरी आप फ्रंट व्यू की बात करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया πR² होता है। ओके तो ये इनक्लोज करना है हमें अपने πR² जो स्मॉल r है हमारे पास, ये इंपीरियल लूप का डिस्टेंस है, उसके बराबर टोटल करंट आई है, उसमें आई करंट फ्लो करें ओवर टोटल एरिया, वो टोटल एरिया कितना होगा πR², ठीक। यहाँ से आप आई इनक्लोज की वैल्यू निकालोगे वो इसके बराबर आएगी, पाई गेट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया। अब बी ए टू पाई आर इसके बराबर आएगा म्यू आई इनक्लोज, अब आई इनक्लोज की वैल्यू कितनी आई है दिस थिंग, ये कट गया। तो ये आपके पास आ जाए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अब आया है। तो आप देखिए सिर्फ दो स्टेप के अंदर, तीन स्टेप के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड ईजिली कंप्यूट कर लो, यही चीज़ आप बायोसेपर लॉ से बहुत मुश्किल से निकाल सकोगे। इसलिए हम अपने मोस्टली अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं और जो एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे, हम एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बायोसेपर लॉ के, मगर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एम्फेसिस हमारा एमपीएस लॉ के ऊपर होगा। ओके अगली एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल प्रॉब्लम 3 जो है वो आपने करनी है, काफ़ी आसान है, आपको देख लीजिएगा। ठीक है थर्ड एग्जाम्पल क्या है, सोलेनॉइड, क्या आपने मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की भी कंसीडर करनी है, तो ठीक है उसकी निकालते हैं। अच्छा अब आपने क्या किया, आपने असल में होती क्या है, ठीक है आपने वायर पकड़ी, उसको किसी तरह वो करना शुरू कर दिया, राउंड करना शुरू कर दिया, और जब पूरी जब राउंड हो जाएगी इसकी वाइंडिंग हो जाएंगी, वो क्या बन गई सोलेनॉइड बन गई आपके पास, टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ वायर इज सोलेनॉइड। सेकेंड प्रॉपर्टी इज जो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है उस सोलेनॉइड की डायमीटर, मतलब ये मैंने वायर ली मैंने पूरा कर दी ये बन गई सोलेनॉइड, अब इसकी पूरी लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, वो ये कर्ल हुई हुई है, लेकिन डायमीटर जो होगा उसका वो यहाँ से लेकर जहाँ तक डायमीटर होगा बहुत उसकी लेंथ होगी, वो पूरे का अगर खोलोगे काफ़ी ज़्यादा होगी हमारे पास। ओके अब क्या होगा कि आपका यहाँ से करंट क्या हो रहा है, इनटू द जा रहा वायर और यहाँ से आउट ऑफ द वायर करंट आ रहा है, तो ये इनटू के लिए ये अभी के लिए ये होगा साइन क्रॉस का, और आउटवर्ड के लिए आउटवर्ड का साइन होगा। अच्छा अब जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर सम होएगी, उसकी वजह क्या है कि देखें जब एक टर्न से मैग्नेटिक करंट ये जो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है वो एक टर्न से पास करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, फिर अगेन यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, फिर अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है,
अगेन एक सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, फिर थर्ड फोर्थ, जितने टर्न्स होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, और फिर आपने तमाम टर्न्स की मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी होगी, एडअप करनी होगी। ठीक है, अब इसका आपको मैं एक जूम इन व्यू दिखाता हूँ। जूम इन व्यू क्या है, ये वाला टच पोर्शन का जूम इन व्यू है, ये ऊपर वाले हैं ये उसके, ये वाला सेगमेंट है ये वाला, और जो बॉटम वाला सेगमेंट ये वाला है। अब आप देखें यहाँ पे क्या है, करंट इन टू द प्लेन जा रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ की बात करेंगे तो यहाँ से करंट बाहर को आ रहा है। ठीक है, मतलब आप इसको इस सब यहाँ पर आप अपने बुक देखिएगा, आपको बुक में काफ़ी अच्छी दी हुई डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है। करंट जा रहा है और ऊपर वाले टर्न से करंट क्या हो रहा है, आउटवर्ड मेरी तरफ आ रहा है, और नीचे से क्या है, करंट इन टू मतलब नीचे वाली टर्न से इन टू द प्लेन जा रहा है, इन टू द वायर जा रहा है, और अपर सरफेस से क्या हो रहा है, आउट ऑफ द वायर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आउट ऑफ द वायर है, इज इन टू द वायर है। अब अगेन अब आप देखें, अब आपने अब इसकी डायरेक्शन निकाल ली है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट क्या है, आउट आपकी तरफ आ रहा है, तो क्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे जनरल वाला, आपका थंब का इंप्रेशन क्या होएगा, आउटवर्ड, और अब आप इसको कर्ल करोगे फिंगर्स को तो क्या दे रहा होगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब इस अगर मैं इसकी सर बात करूँ, करंट बाहर को आ रहा है तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होंगी, काउंटर क्लॉकवाइज होंगी। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करी, काउंटर क्लॉकवाइज करनी। अब ऊपर की पूरी सरफेस के ऊपर क्या है, करंट आउटवर्ड है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो एक डायरेक्शन में क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज पूरी की डायरेक्शन फ्लो कर रही होगी। अब बात करते हैं इनटू द प्लेन, जहाँ बॉटम की सरफेस के अंदर करंट अंदर को जा रहा है, और जब अंदर को जा रहा है इसका मतलब है करंट अंदर को जा रहा है, तो मेरी जो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द प्लेन है। अब जो मेरे करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो मैंने क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर दिया, फिर मैं बाकी क्लॉकवाइज होगी। अच्छा, अब आप देखें कि ये वाला इफेक्ट जो कि ऊपर वाले टर्न की वजह से जो ये वाला इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा इस इफेक्ट से, मगर जो यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इधर जा रही है जो कि लोअर की वजह से है, और जो जो बॉटम सरफेस है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, यहाँ से क्या है क्लॉकवाइज है, ये भी क्या है देखो जा रही है, तो जो दरमियान वाला सेगमेंट है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एम्पलीफाई हो गई है। ठीक है, ऊपर वाले जो ए पोर्शन है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, अगेन ये काउंटर क्लॉकवाइज है, मगर इस पॉइंट पे आके जो सेंटर वाला पॉइंट है जो वायर के सेंटर में है उसने मैग्नेटिक फील्ड एक कंट्रीब्यूशन कर दी होगी ये वाली इसकी वजह से, और दूसरी कर दी होगी इसकी वजह से। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पे इधर क्या होगी, इस तरफ होगी, ये ऑपोजिट साइन है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, एक इधर को इफेक्ट जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, कैंसिल आउट कर रहे होंगे, मगर जो दरमियान वाली फील्ड है वहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये किसकी है, ये है अप की और ये है डाउन की, तो जो सोलर के दरमियान में है वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीफाई हो गई है। ठीक है, ये सारी मैंने बातें लिखी हुई या पढ़ लीजिएगा इसको। तो आउटसाइड द इलेक्ट्रिक सॉलिड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, अब आप देखें, अच्छा अब हम मैंने जनरल बात करी, मैंने सम की बात करनी है। ठीक है, अब आप देखें कि इसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड वन है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड टू है, इसकी थ्री है, अब मैं इसको समअप करना है, मैं समअप करूँगा तो समअप करने के बाद उसकी एक ओवरऑल जो डायरेक्शन बनेगी वो भी क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज ही होगी, बिकॉज इंडिविजुअल की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है, आप सबको समअप करोगे सारे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी हमारे पास। ओके, ये काउंटर क्लॉकवाइज में डायरेक्शन होगी, तो और इसी तरह से बॉटम के सर्विस बॉटम के पार्ट के ऊपर भी आप वही काम करोगे, उसकी क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी हमारे पास, ये बन गई। अब मेरा पॉइंट पी सोलेनोइड के बाहर है, अब होगा क्या, जो अपर वाला पार्ट है सोलेनोइड का उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, या जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ मतलब काउंटर क्लॉकवाइज है, और जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही होगी, इधर को जा रही होगी, आल दो इसका इफेक्ट मतलब बहुत थोड़ा होगा, कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मतलब यहाँ पे जो इस पॉइंट पे इन जो अपर सर्किट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि तो इस काउंटर क्लॉकवाइज होगी, बॉटम की वजह से वो इफेक्ट कम कर देगी, तो आउटसाइड सोलेनोइड आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होगी,
अगर मैं आइडियल फ्लूइड की बात करूं तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही हूँ काउंटर क्लॉकवाइज जा रही होंगी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बॉटम की वजह से अपोजिट क्लॉकवाइज जा रही होंगी, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटसाइड फ्लूइड वो जीरो होगी आइडियल केस के अंदर, मगर जेनेटिक केस के अंदर थोड़ी वीक होगी। और इनसाइड सोलेनोइड दरमियान में मैक्सिमम होगी, बिकॉज हमने ऊपर बात कर ली है। ठीक है, अच्छा अब इसकी डायरेक्शन किस तरह निकालेंगे? आप डायरेक्शन निकालने के लिए अब जो सोलेनोइड है उसको राइट हैंड में पकड़ोगे और जो आपकी फिंगर्स होंगी वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट की वजह से होंगी। ठीक, और आपने वो वाइंड करना है आपका सोलेनोइड इस तरह के। अब आपने इसको पकड़ा और आपको पता कि यहाँ नीचे से बाहर नीचे जो नीचे वाले पोर्शन है वहाँ से करंट क्या हो रहा है इनटू अंदर जा रहा है और ऊपर से बाहर को आ रहा है, तो अब जब इसका घुमाओगे तो आप देखोगे जो थंब की डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में। अब आप इसका देखो यहाँ पे ऊपर को आ रहा है और यहाँ से बाहर को आ रहा है, तो ये क्या होगा बी थंब क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और आपने देखा भी था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या थी टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, तो वो आपको इस तरीके से मिल गया। डायरेक्शन भी निकाल ली वो भी। अब हमने बात करनी मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नेट अब हमें पता है ये चीज़ है आपके पास ये वायर के ऊपर पोर्शन था और जो डॉट थे वो बता ये वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, तो ये जो डॉट्स हैं वो क्या है जो करंट आउटपुट ऑफ वायर आ रहा है और जो क्रॉस ऑफ इन वायर जा रहा है, और दरमियान में क्या है टोटल मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है ये वाली जो कि ऊपर वाले से प्लस नीचे वाले कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। ओके, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करनी है, आपने इम्पीरियल लूप ड्रॉ करना है। मैंने इम्पीरियल लूप बनाया ये ए बी सी डी, आपकी मर्जी है जहाँ मर्जी बना सकते हो जितना गौशत जैसे मर्जी बना लो, आप सारा इसके दरमियान में बना लो थोड़ा नीचे करके बना लो, मैंने ये बना लिया। अच्छा अब बी डॉट डी एस इक्वल टू म्यू आई इनक्लोज करेंगे। ओके, तो अब बी डॉट डी एस किसके बराबर होगा? ये जिस तरह आपने या इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कहेंगे इसको, तो ये हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कहेंगे सॉरी, बट बी डॉट डी ए एक इज अ क्वान्टिटी। ओके, इज अ स्केलर क्वान्टिटी, तो ये किसके बराबर होगा पूरा? अब देखना ये क्लोज लूप है, इम्पीरियल लूप इज अ क्लोज लूप, ये किसके बराबर है? ये ए ओपन लूप के बराबर है। मतलब कैसे कैसे कि पहले ए से बी पे जाएंगे वो एक होगा, फिर बी से डी, बी से सी, फिर सी से डी और फिर डी से ए, फिर जब क्लोजिंग मतलब ये क्लोज इम्पीरियल लूप इन चार ओपन लूप के बराबर होगा, बी डॉट डी एस ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए। ओके, तो अब आप देखें बी से जब मैं ए से बी तक जाऊंगा मेरी जो डायरेक्शन ऑफ डी एस, ये डायरेक्शन डी एस क्या है दिस डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन क्या है जो कि आपको नजर आ रही है ये वाली, ये भी क्या है इस डायरेक्शन में, जो बी और डी एस की जो डायरेक्शन क्या है सेम है, तो बी डी एस कॉस थीटा जीरो, बी डी एस पूरा इस पूरे सरफेस इस पूरी लाइन के ऊपर पूरी लूप के ऊपर ए से बी रखो लूप में क्या पूरी ए से बी पाथ के ऊपर बी क्या रहेगा सेम रहेगा, बी बाहर आ जाएगा डी एस में इंटीग्रेशन होगी वो टोटल लेंथ देगा वो कितनी है उसको मैंने एच डिफाइन किया हुआ है, तो मेरे पास क्या आ गया बी एच आ गया। अब चलते हैं बी से सी तक, अब देखें डी एस की डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में, डी एस क्या है ऊपर कॉस 90, तो पहली बात है पूरे का पूरा क्या दे देगा आपको जीरो दे देगा, ये जीरो आ गया। सिमिलरली अच्छा इधर बात है सी से डी तक, अब देखिए सी से डी क्या होएगा, अब डी एस की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट, लेकिन बी की डायरेक्शन क्या है जो इस लूप में से पास कर रहे हैं, देखिए सी से डी जो पोर्शन है ना वो आउट ऑफ द सोलेनोइड है बाहर को है, तो बाहर तो हम बात करें आइडियल सोलेनोइड की, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, तो ठीक है बी ही जीरो हो गया, इस केस में बी क्या हो गया जीरो, तो पूरी की पूरी चीज़ क्या होगी जीरो होगी। और डी से ए क्या होएगा, डी से ए हमारे पास अगेन डी से की बात कर लेते हैं ये भी जीरो होगा बिकॉज कॉस 90 बन रहा है वो भी जीरो होगा, तो टोटल ये वाली जो है राइट हैंड साइड वो बी एच के बराबर आ गई। अब इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन टू, अरे यहाँ पर छोटी मैंने ये सारा ब्लंडर किए हुए हैं म्यू नॉट आई इन क्लोज, तो मैंने आई इन क्लोज निकालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ आई इन क्लोज किसके बराबर होगा, देखिए अगर तो सिर्फ एक टर्न होता तो एक आई होता, अब एक आई नहीं है उसकी वजह है, लेकिन आपने जो इम्पीरियल लूप यहाँ पे ड्रॉ किया है ना पूरी वायर में से आई करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन आपने तो एक सिंपल सेगमेंट लिया है ये वाला इम्पीरियल लूप,
इतना था, अब उसमें से कितना आई फ्लो कर रहा होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करेगा जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। तो जो मेरे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है पूरी वायर में, मुझे पता है। आपने इंपीरियल एक स्मॉल सेगमेंट पर लिया, जैसे आपने, हम चार्ज की बात कर लेते हैं, ये जिससे आपने यहाँ पे बात की थी हमने, इसमें बात, यहाँ यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन से ड्रॉ की थी, उसके में स्मॉल चार्ज इंक्रीज था, तो हमने उसकी बात की, टोटल चार्ज तो क्यों था। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास टोटल करंट आई फ्लो कर, मगर आपने इंपीरियल लूप ड्रॉ की है, वो एक स्मॉल स्मॉलर सेगमेंट पर अप्लाई की है, उसमें स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, तो मुझे आई को मल्टीप्लाई करेगा नंबर डेंसिटीज के साथ, ओके। तो मैं ये करूँगा, आई इनक्लोज जो मेरा होगा वो सिंपल आई जो कि पूरी वायर से पास करे, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, एंड इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न, जितने नंबर ऑफ टर्न्स आई पास करेगा मैंने वो निकालने हैं। उसको निकालने का तरीका कि ये नंबर डेंसिटी होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी लेंथ पे कम्यूट हुए हैं, मतलब यहाँ से मेरे पास कितना है, इस द एज, यहाँ से एज है मेरे पास, इस एज में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मैं उसको डिवाइड, वो नंबर डेंसिटी मिल जाएगी मुझे, ठीक है। तो इसके बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न ओवर टोटल वॉल्यूम, तो नंबर डेंसिटी, जिस तरह आप चार्ज डेंसिटी के बारे में, या आपने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, तो कितनी लेंथ में से कितने टर्न पास करें उसको हम नंबर डेंसिटी कहते हैं। उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हो तो एन इंटू एच बन जाएगा, वो मैंने यहाँ पे डिपोज कर दिया। अब इसकी पूरी वैल्यू को, आई इनक्लोज की वैल्यू को मैंने, ये चीज मान गई, इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, तो बी एच इज इक्वल टू न्यू और आई इनक्लोज एन एच आई बन गया, तो यहाँ जाकर मैंने ये एच देख कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। तो ये है आपका जो सोलेनोइड के दरमियान में जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसकी, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, म्यू नॉट एन आई, और ये आइडियल सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। लास्ट एग्जाम्पल एप्लीकेशन बाई यू, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाई यूजिंग एम्पियर्स लॉ, विच इज अ टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, सोलेनोइड ही होता है। आपने सोलेनोइड पकड़ा, इस तरह पूरे वायरिंग ली, उन दोनों एंड्स को आपस में आपने मिला दिया। अच्छा, जो मैंने देख कोशिश की है ये डायग्राम बनाने की, मगर ये बड़ी अजीब सी बनी है, सी मतलब सी एट टेक्स्ट बुक, ठीक है, उसमें अच्छी एग्जाम्पल मिल जाएगी आपको, एक जस्ट गूगल आपको समझ में आ जाएगी। अगेन इसका भी हम देखेंगे, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दरमियान में क्या होगी और आउटसाइड क्या होगी। तो सिंपली आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, बी डॉट डी एस म्यू आई क्लोज, ये पूरी चीज़ आपको दे देगी बी टू पाई आर, ये हम बात कर चुके हैं। इसका जो क्लोजर व्यू है वो ये है, अगेन जब आपने कंबाइन किया तो अपर जो साइड है वो उसमें करंट आउट आ रहा है और लोअर में इंटू प्लेन जा रहे हैं, तो जो आपको लोअर साइड होगी उसमें इंटू द प्लेन इंटू द करंट फ्लो करेगा, आउट जो अपर साइड है उसकी टोरॉइड की उसमें करंट आउट ऑफ द फ्लो आ रहा होगा। अगेन अब आउट ऑफ द फ्लो आ रहा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, और जो इंटू जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। जो ये वाली डायरेक्शन होगी ये क्लॉकवाइज होगी, और जो अपर की वजह होगी वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, और जो दरमियान में हो रही होगी वो देखिए यहाँ पे आके भी ये क्या बन रही है, क्लॉकवाइज, और इसकी भी क्या बन रही है, क्लॉकवाइज। तो आपको नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, जो कि तो मैंने ये ड्रॉ की हुई है रेड वाली, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज इन साइड द टोरॉइड होगी हमारे पास, ठीक है। इसको भी ऐसे करेंगे, इसको तो म्यू नॉट आई इनक्लोज और आई के अंदर हमारे पास सिंपल हम नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास आ जाएगा, या इधर बी आ जाएगा म्यू नॉट ओवर एन आई ओ टू पाई आर, ये आ गया इन साइड द टोरॉइड, ठीक है। आपकी मर्जी, आप अगर आपने उसको नंबर डेंसिटी के फॉर्म में लिखना तो आप एन की वैल्यू पुट कर दें, जो कि किसके बराबर आएगी, एन इंटू एच का दो, जो भी अगर सिंगल है या सिंपल आप इसमें बात कर लो, तो ये टॉरॉइड की एग्जाम्पल है। तो हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, हमने वायर ले ली, हमने सोलेनोइड ली, टॉरॉइड ली, हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट की बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो ये हमारा चैप्टर था, यहाँ से हमारा सिलेबस खत्म हो गया है। अगेन लास्ट एडवाइस मेरी होगी, इस लेक्चर को दोबारा देखें, बुक से रीड आउट करें, मेरे लेक्चर नोट्स देखें, स्टडी करें उनको, कोई इशू होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वाइंड अप, तो लेट्स रैप इट अप, तो उसको वाइंड अप करते हैं, सी यू इन द क्लास, टिल देन गुड बाय।